सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ शैली महेश्वरी गुप्ता, एन एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट और फेस योगा स्पेशलिस्ट, और साथ ही साथ मैं मिसेस एशिया पैसिफिक, मिसेस इंडिया भी रह चुकी हूँ। भाई, करवा चौथ के बारे में तो सभी लेडीज जानती हैं, महिला जानती हैं, पूजा पाठ भी बहुत करती हैं, और इस दिन उनके लिए खास होता है फास्टिंग करना, क्योंकि ये फास्टिंग उनके पति की उन्नति और उनके पति की सेहत और लंबी उम्र के लिए बहुत खास होता है। इसलिए मुझे तो लगता है सभी स्त्रियां, चाहे मॉडर्न हो तो चाहे कितनी भी मॉडर्न हो चुकी हों, सभी फास्ट रखती हैं, क्योंकि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे। और जैसे अगर आज मैं पूजा की बात करूं, तो जैसे बड़ा मॉडर्न समय हो गया है तो शॉर्टकट विधियाँ अपनाई जाती हैं, बट एक सिंपल चीज़ अगर आप करवा चौथ के पूजा में करती हैं कि कलश में गंगा जल भर लेती हैं और उसमें थोड़ा सा शहद डालती हैं, शहद मीठा होता है, साथ ही साथ अच्छा मानते हैं हम, अब एंशिएंट टेक्स्ट के हिसाब से एक शुभ चिन्ह होता है, या एक कहते हैं ना, एक आइटम है जो शुभ चीज़ें लाता है घर में, तो उसमें अगर आप पानी में शहद थोड़ा सा डालती हैं कलश में भर के, और साथ ही आप उस कलश में स्वस्तिक बनाती हैं एक सुंदर सा, और कुछ जैसे मेहंदी जैसे जो आप लगाती हैं, वही मेहंदी की जैसे सात आप डॉट्स लगाती हैं, और फिर पूजा करती हैं, चौथ का कथा सुनती हैं, तो ये सब बहुत अच्छा माना जाता है, जो वैवाहिक जीवन के लिए एक सुख शांति लाता है, हार्मनी लाता है आपकी रिलेशनशिप में। और साथ ही जब चंद्रमा निकल आता है तो वो ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं कि चलनी की ओट में आप अपने हस्बैंड को, अपने स्पाउस को देखती हैं और कितनी खुशी महसूस करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं और चंद्रमा को अर्घ देती हैं और कामना करती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय रहे। तो ये चीज़ें एक्चुअली पुरानी हैं, बट इसको अगर आप नए रूप से भी देखा जाए तो ये एक फेस्टिवल होता है जो बड़ा एंथुजियाज्म लाता है लेडीज़ में, और एक हस्बैंड में भी लाता है, आपकी मैरिड लाइफ में भी एक एंथुजियाज्म या एक बहुत ही एक फेस्टिव लुक लाता है, कि लाइक सज धज के आप अपने हस्बैंड के पास जब आती हैं एंड ही सीज यू इन अ ब्राइडल रूप, वापस एक ब्राइडल रूप में वो देखते हैं जब आपको, तो एक खुशी सी महसूस होती है या मेमोरीज वापस रिफ़्रेश हो जाती है। और आप जब मेमोरीज रिफ़्रेश होती है उस टाइम की जब आपकी शादी हो रही है, तो आप सोचिए ना, वो सारी मेमोरीज वापस एक ग्रेट बॉन्डिंग लाती है आप दोनों के बीच में। इसलिए पूजा का बहुत महत्व होता है, या इस फास्टिंग का और करवा चौथ का, स्पेशली लेडीज़ और लाइक कपल्स में इसका, आई फील कि इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू ऑब्जर्व करवा चौथ फास्टिंग एंड करवा चौथ व्रत, और मे बी एज सच कि करवा चौथ करना चाहिए, ये फेस्टिवल करना चाहिए फॉर योर ग्रेट बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप्स। अब आती है बात सेकेंडली कि लाइक यू नो, कैसे अट्रैक्टिव रहें अपने हस्बैंड के लिए, हमेशा कैसे फिट, और अपने हस्बैंड को बस हस्बैंड कहीं ना देखे, बस आप ही को देखता रहे और आप ही को निहारता रहे। तो उसके लिए मैं आपको स्पेशली बताती हूँ, ऐसा कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं करना, बट हाँ थोड़ा सा अपनी फिटनेस पे ज़रूर आप ध्यान दें। आपको पता है जो ये फास्टिंग होती है, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट और वेदास में क्यों लिखी हुई है, एक्चुअली जब हम ड्राई फास्टिंग करते हैं, निर्जला व्रत करते हैं या कुछ भी करते हैं, ड्राई फास्टिंग में एक ना सिस्टम होता है, दैट इज सेल रीजनरेशन, पूरा इंटरनल प्रोसेस क्लेंस्ड हो जाता है, जो वॉर्न आउट सेल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, वो बॉडी से निकल जाते हैं, एक ऑटोफजी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है सेल रीजनरेशन का, आपकी स्किन में वो रेडियंस लाता है, आपको फिट रखता है। और आप देखिए कि जब ये जो टाइम है, इसमें जब ये जो करवा चौथ का जब टाइम होता है, जब जो चौथ का मून निकलता है, इसकी एक अलग रेडियंस होती है, जिसकी रेज जब आप फास्टिंग करते हो, ऑब्वियसली जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम बहुत लाइट होते हैं, हम इनर्जीज़ को और रिसीव कर सकते हैं अपने अंदर। तो क्या होता है
कि जब आप और एनर्जीज को, एक अच्छी एनर्जीज को, यूनिवर्सल एनर्जीज को रिसीव करते हैं और अपने मन से प्रेयर करते हैं कि हमारे हस्बैंड के सक्सेस और हेल्थ के लिए अच्छा हो, साथ ही साथ हम अपने हस्बैंड के हमेशा चहेती बने रहें, अट्रैक्टिव रहें, तो ये चीज़ एक यूनिवर्स आपको गिव बैक करता है एनर्जीज। और साथ ही जब आप इस तरह से क्लेंजिंग प्रोसेस आपका होता है तो डेफिनेटली आपकी भी हेल्थ और आपकी फिटनेस और अट्रैक्शन 10 गुना बढ़ जाता है आपकी बॉडी में। एंड आप देखिएगा कि उस दिन आप एक, चाहे आपने कुछ खाया भी नहीं होगा, पर आप बहुत अट्रैक्टिव लगती हो और आपके हस्बैंड आपकी इस मनमोहक छवि को देख के निहारते ही रहते हैं। सो इसीलिए करवा चौथ का व्रत या ऐसे भी फास्टिंग करती रहना चाहिए लेडीज़ के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए बोलती हूँ, सो दैट आप हमेशा फिट और अट्रैक्टिव रहेंगी। जब आप फिट एंड अट्रैक्टिव रहेंगी और बढ़िया सी दिखेंगी तो मनमोहक आपकी जो त्वचा और आपकी छवि रहेगी, तो ऑब्वियसली आपके हस्बैंड कहाँ जाने वाले हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें, करवा चौथ एक स्पेशल डे होता है महिलाओं के लिए, और उसमें अगर आप ऑब्जर्व करती हैं फास्ट या फास्ट भी नहीं ऑब्जर्व करती हैं, बट इस फेस्टिवल को एक धूमधाम से एक एंथुजियास्टिकली मनाती हैं, तो आपके लिए वो हमेशा एक सुख समृद्धि खुशियाँ और आपकी रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करेगा और बॉन्डिंग आपकी बहुत बढ़िया रहेगी अपने हस्बैंड के साथ।